विश्लेषण नंबर दो में आज चर्चा होगी निर्भया मामले की। ये मामला बहुत जरूरी है, आपसे जुड़ा हुआ है। ये मामला सिर्फ उन दोषियों का नहीं है जिनको आज पटियाला हाउस कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि आपको इनको फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, यानी कि फांसी अब होनी अब तय है और शायद कल ही फांसी दे दी जाए। कल की बात से मीडिया में चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह का कोई अभी आधिकारिक टिप्पणी अभी तक तो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन उनको फांसी जल्दी से जल्दी दी जाएगी। तो निर्भया मामले की पहले हिस्ट्री जानेंगे, उसके बाद सरकारों के रवैये को जानेंगे। पहले आप समझिए कि निर्भया मामला है क्या। दिल्ली के मुनिरका के क्षेत्र का मामला है जहाँ पर यह घटना घटी थी, जो साउथ दिल्ली का पार्ट है। 16 दिसंबर 2012 रात के वक्त एक लड़की जो कि 23 साल की थी, जो एक फिजियो ट्रेनिंग अंडर ट्रेंड ट्रेनिंग फिजियो थी, जो कि इंटर्नशिप कर रही थी, वो अपने एक मेल फ्रेंड के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी, किसी अपने घर जा रही थी शायद वापस। उसके साथ मिलकर के कुल 6 आरोपी थे जिन्होंने मिलकर के इस लड़की के साथ गैंगरेप किया, मारपीट किया, इसका मर्डर किया और उसके बॉयफ्रेंड को भी मार देने का प्रयास किया। इसमें भी 307 का एक मामला दर्ज था। उसके बाद 8 जुलाई 2013 तक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली का जो इंडिया गेट इलाका है वो पूरी तरह से प्रोटेस्टर से भर चुका था। महीनों तक प्रोटेस्ट चला था। दिल्ली पुलिस ने जबरदस्त उस पर जाँच की। आप देख सकते हैं एक BBC की डॉक्यूमेंट्री है, जो खैर भारत में बैन कर दी गई थी, लेकिन वो इंटरनेट पे अवेलेबल आप देख सकते हैं, जो दिल्ली कोर्ट में रेप कैपिटल कहा गया है। वो BBC की डॉक्यूमेंट्री भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है दिल्ली क्राइम, उसमें भी इस पूरे मामले को दिखाया गया है कि किस तरह से पुलिस ने इसको सॉल्व किया। तो बहुत बड़ा प्रकरण था। उसके बाद 8 जुलाई 2013 तक जो है प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए कि हमारे एविडेंस हैं। उसके बाद 10 सितंबर 2013 को 4 अन्य, एक तो मर गया था, एक ने सुसाइड कर ली थी इस बीच, राम सिंह जिसका नाम था एक आरोपी इसमें से, लेकिन एक नाबालिग था, और जो 4 अन्य बचे थे 10 सितंबर 2013 को इनको गिल्टी पाया गया, इनको दोषी पाया गया और इनको डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद 13 मार्च, और इनको जो है आगे ही कुछ एक दो महीने में फांसी होनी थी, लेकिन 13 मार्च 2014 को एक याचिका दाखिल हुई इनके तरफ से, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके इस वर्डिक्ट को अफेल्ड कर दिया, रोक दिया, उस पर रोक लगा दी। और तब से मुकदमा अभी तक चल रहा था, कई सारी सुनवाइयाँ हुई, बहुत सारे मीडिया ट्रायल हुए। निर्भया की माँ बहुत परेशान हुई कि इनको सजा मिले, उनको न्याय मिले, उनके बच्चे को न्याय मिले। उसके बाद 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल जो है अपील दाखिल होती है फाइनल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिसमें एक फाइनल डिसीजन अपना देता है। और 17 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को भी खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हम आपकी फांसी नहीं रोक सकते और तुमको इन लोगों को फांसी देनी ही पड़ेगी। उनके वकील को मना कर दिया गया। फिर 17 जनवरी 2020 को दिल्ली के एक जज ने डेथ वारंट इशू कर दिया। उसके बाद फिर से एक दो बीच में फंसाया गया था, लेकिन आज पटियाला हाई कोर्ट ने फाइनली जो कि एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है, इनको फांसी दी जाएगी, इन चारों एडल्ट्स को जो कि उस मामले में मुख्य आरोपियों में से कुछ हैं, छः में से चार ये लोग हैं जो एडल्ट भी हैं, और इनको फांसी होनी अब तय है। फांसी कब दी जाएगी ये देखना बाकी होगा। लेकिन जो समझने की बात है, जिसका मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ये है कि इस पूरे मामले के बाद बहुत सारे कानूनी संशोधन किए गए थे महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने संसद में कई सारे बिलों, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में और खास करके बलात्कार के मामलों में कई सारे संशोधन किए थे, और ये बताया था कौन कौन से मामले बलात्कार के कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से मामले छेड़छाड़ की कैटेगरी में आएंगे, और कैसे इसको फास्ट ट्रैक किया जाए और कैसे इस पर पुलिस बहुत सक्रियता से काम कर पाए, इसको लेकर बहुत संशोधन किया गया था। लेकिन क्या परिवर्तन आया है, ये बड़ा प्रश्न है जिसका हम विश्लेषण करेंगे। दूसरा, हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि सरकारें, जो राज्य सरकारें हैं, उनके क्या रवैये हैं इस पूरे इन सारे मामलों को लेकर के, और इस सब का विश्लेषण करके हम समझ पाएंगे कि हम दरअसल जिस देश में जी रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इस पूरे प्रकरण के बहाने हम इसका विश्लेषण भी करना चाहेंगे, जो आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले आते हैं जिसका मामला था सामूहिक बलात्कार और हत्या का। भारत में बलात्कार या सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या के कुल आंकड़ों के अगर गौर किया जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है 2017 में बलात्कार के और बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या करने के 223 मामले दर्ज किए गए। 2017 का डेटा है, NCRB का जो लेटेस्ट डेटा आया था उसके बारे में मैं आपको कोट कर रहा हूँ। 223 मामले जो है इसके पाए गए, और अगर इन्हीं मामलों को राज्य वाइज अगर हम देखें, स्टेट वाइज अगर देखें, तो उत्तर प्रदेश में 2019 में
सबसे ज्यादा 64 मामले ऐसे पाए गए जिसमें अपहरण अपहरण के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या के मामले देखे गए थे। उसके बाद महाराष्ट्र में 26 मामले थे, एमपी में, मध्य प्रदेश में 21 मामले थे। 2018 में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए थे, यहाँ पर 21 मामले पाए गए जिसमें सामूहिक बलात्कार, बलात्कार या उसके बाद हत्या कर देने के मामले शामिल हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर के 6 मामले 2017 में कोर्ट किए गए थे, पाए गए थे एनसीआरबी के डेटा के अनुसार। अब आते हैं, अब सोचिए कि स्थिति क्या है, कितना परिवर्तन आया। ये मामले लगातार निर्भया कांड से बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे रिपोर्ट हैं इसमें। जो है एक सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि इंटरनेशनल मेन एंड वुमेन जेंडर इक्वालिटी की जो सर्वे है, जो कि इंटरनेशनल सर्वेयर है, उसने सर्वे किया, बहुत रिपोर्टेड है। उसके अनुसार 24% भारतीय भारत में ऐसे रहते हैं, 24% भारतीय लोग अपने जीवन के किसी पीरियड में, अपने जीवन के किसी काल में कभी ना कभी यौन उत्पीड़न करते ही हैं। ये शॉकिंग मामला है। हम एक समाज के तौर पर कितने अवेयर हैं, कितने संवेदनशील हैं, और हमारे अंदर इंसानियत और मानवता कितनी संरक्षित है। भारतीय संस्कृति की जिसकी दुहाई देकर राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया जाता है, वो कितना संकुचित हो चुका है, उसके बारे में आप सोचिए कि एक समाज के तौर पर हम कितना कमजोर हैं। इस डेटा के आधार पर हम अपने सरकारों की सक्रियता को भी आंक सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है। और उसके बाद और भी सारे मामले हैं। और जो है गैंग रेप की अगर आप देखिए कन्विक्शन रेट पे जो अदालतें, चूंकि इसमें 4-5 साल की बात नहीं है, सीधे सीधे 8 साल लग गए इनको फाइनली फांसी की सजा को बिल्कुल स्पष्ट करने में। पटियाला हाईकोर्ट ने आज ये निर्णय लिया है, मामला जबकि 2012 का है, करीब 8 साल से ऊपर हो गया, पूरा 8 साल कुछ महीने हो गए उसके बाद ये आया है। तो क्या जो संशोधन किए गए थे कांग्रेस के समय में, फास्ट ट्रैकिंग हो रही है कोर्ट के थ्रू, क्या न्यायपालिका फास्ट ट्रैक, न्यायपालिका को ये पावर, ये शक्तियाँ, इस तरह के संसाधन कराए गए हैं कि इन सब मामलों पे फास्ट ट्रैक के साथ कार्रवाई की जाए और इन मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा डिकरेज किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका के पास बहुत से काम होते हैं तो उसको मैन पावर और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो क्या ये उपलब्ध कराए गए हैं इस प्रकरण से, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 8 साल में ये निर्णय आया है। अगर डेटा पे जाया जाए तो डेटा के अनुसार 2017 में 108 मामले गैंग रेप और मर्डर के अभी भी 2017 तक पेंडिंग थे, ये भी एनसीआरबी का डेटा है। 2017 तक 108 मामले मर्डर के प्लस उसके साथ गैंग रेप या रेप के पेंडिंग है। ये स्थिति है हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट की, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं न्याय दर की, ये स्थिति है। अब आप आगे देखिए विश्लेषण में हम आपको जो जो बताते हैं कि जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि राज्य सरकार की जो उदासीनता है, राज्यों की जो उदासीनता, उस पर भी गौर कर लीजिए। किसी निर्भया के कांड के बाद एक निर्भया फंड की स्थापना की गई थी, जिसका मकसद था, केंद्र सरकार ने इसको किया था, जिसका मकसद था कि तमाम राज्यों में निर्भया फंड दिए जाएं और इस निर्भया के नाम से लड़कियों की सुरक्षा के या महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो निर्भया फंड के नाम पे क्या क्या स्थिति है, सरकारों के आंकड़े देख के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने निर्भया फंड में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। लोकनीति की विस्तृत रिपोर्ट है, मेरी ही रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आकर के, उसमें मैंने पूरे एनसीआरबी के डेटा और इन सब चीज़ों को कंपाइल किया हुआ है। आप ये मान के चलिए कि 11 राज्य ने निर्भया का फंड में से एक पैसा नहीं खर्च किया है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र है, मणिपुरम है, मेघालय है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, दमन एंड दीव, ये 11 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एक पैसा नहीं खर्च किया। इसमें से अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को आप हटा दें, क्योंकि यहाँ पर एनसीआरबी के डेटा को ही अगर मैं कोट करूँ तो यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के आंकड़े हैं बहुत कम हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो सबसे ज़्यादा टॉप 5 में आता है, वहाँ पर क्यों नहीं खर्च किए गए। अब आते हैं किन राज्यों ने कितने खर्च किए, ये भी देख लेते हैं। दिल्ली 390 करोड़ रुपये, जहाँ पर ये कांड हुआ था, 390 करोड़ रुपए निर्भया फंड में थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सोचिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जहां पर 2018 में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए, वहां पर 119 करोड़ रुपए निर्भया फंड में थे, जिसमें 3.93 करोड़, करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए। कर्नाटका में 192 करोड़ रुपए थे, सिर्फ और सिर्फ 13 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो आजकल राजनीतिक तीर्थ बना हुआ है कर्नाटका, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तेलंगाना में 103 करोड़ रुपए थे, 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आंध्रा में 21 करोड़ रुपए थे, 8 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिहार में सुशासन बाबू का राज्य जो है, वहाँ पर 22 करोड़ रुपए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। उसके बाद गुजरात में, जहाँ पर सदियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70 करोड़ रुपए में से मात्र 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। सोचिए कि क्या उदासीन सरकारें हैं। राजनीति में सरकार गिराना, बचाना, ये सब चलता रहेगा। ये जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं जो बहुत आवश्यक हैं, इन पे सरकारें क्या कर रही हैं, आप सोचिए।
ये सब चलता रहता है, मीडिया भी इन सब मुद्दों पे बात नहीं करती। आप लोग देखते होंगे अपने चैनलों पे लगातार हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराई जा रही है, सरकार गिराई जा रही है, बचाई जा रही है। लेकिन ये स्थिति है गुजरात जैसे राज्य में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदियों से सरकार है, कई साल से, वहां पर 70 करोड़ रुपए में से निर्भया फंड में से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए महिला सुरक्षा पे खर्च किया गया। अब आते हैं तमिलनाडु में 190 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और वेस्ट बंगाल जहां अभी चुनाव होने हैं, ममता जी दीदी का राज्य जहां पर सब भालो बात थी, वहां पर 76 करोड़ रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये स्थिति है देश में महिला सुरक्षा के नाम पर किए जा रहे कोटा पूर्ति की। आप प्रश्न नहीं करेंगे तो ऐसे चलते रहेगा। मीडिया का काम आपको बरगलाना हो चुका है, मीडिया ने अपनी परिभाषा को बदल लिया है। सत्ता के हाथों चलने वाली मीडिया आज वही दिखा रही है जो राजनीतिक पार्टियां चाह रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो अपने उसकी मीडिया चैनल उसके नरेशन सेट कर रहे हैं, कांग्रेस के मीडिया चैनल उसके नरेशन सेट कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दे हैं, निर्भया पे आज फैसला आया है, मीडिया चैनल बड़े बड़े चलाएंगे मोदी जी के तो एक दिन पहले के भाषण को कि बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को फांसी पे लटका दिया जाएगा। उनके इस बयान के तत्काल बाद ये जो निर्णय आया है इसको जोड़ के आपको दिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि निर्भया फंड में से पैसा क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि 2017 के बाद अभी तक महिला सुरक्षा में बढ़ोतरी क्यों हुई है, निर्भया कांड के बाद से अभी तक जो है महिला अपराध में बढ़ोतरी क्यों हुई है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि अपहरण, बलात्कार, हत्या, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या के मामले दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो भारत जैसे राज्य में जो राष्ट्रीयता का पूरा एक पाठ पढ़ाया जा रहा हो, जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा हो, आप सोचिए कि आपके राष्ट्रभक्ति में महिलाओं की कोई जगह नहीं है, या हमारे आपके समाज में हमारी आपकी राष्ट्रभक्ति में महिलाओं की कोई जगह नहीं है। इसी तरह के तमाम विश्लेषण के लिए आप दलोक नीति के साथ बने रहें। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।